अस्सलाम वालेकुम वालदे की रसोई में आप सबको इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे चिकन स्टू। इसके लिए हमने कढ़ाई रख दी। ये हमने चिकन ले लिया है, ये चिकन है हमारा, ये आधा किलो। इसको हमने धो के साफ कर लिया है। और ये हमने चार प्याज ली मीडियम साइज़ की, हमने चॉप कर लिया है ऐसे इस तरह की। थोड़ा बड़ा ही बड़ा रखा है, चिकन स्टू में थोड़ा दिखता है तभी अच्छा लगता है। और हमने ये पांच टमाटर लिए, इसका हमने छिलका हटा दिया है। और ये चार मिर्ची हमने काट ली बड़े बड़े टुकड़ों में, और ये चार हमने साबुत लिए, इसको भी हम डालेंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अभी हमने गैस ऑन कर दी, अब इसमें हम तेल डालें। अब इसमें हम तेल डालते हैं, अभी हमने तेल डाल दिया है। ये चम्मच, तीन चम्मच डाला है हमने तेल अंदाजे से, ये 50 ग्राम ज़्यादा तेल है। ये वाले हमने तीन चम्मच तेल डाला है। अब इसे तेल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे ये मसाले दिखा देते हैं। ये दो तेज पत्ते हैं, उसको हम तोड़ लिया है। ये आधा चम्मच जीरा है, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, खड़े मसाले डालेंगे हम इसमें। और ये साबुत मिर्च भी डालेंगे, ये लाल, ये चार मिर्ची लिए साबुत सूखी हुई लाल मिर्च। अब तेल गर्म हो जाता है। अभी तेल गर्म हो गया, अभी ये मसाले डालते हैं। अब पहले प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा पिंक करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाए इतना करना है। अभी प्याज हमारी ये पिंक हो गई, ऐसी करनी है बस इतनी पिंक। अब इसमें ये साबुत मिर्च भी डाल देते हैं। ये हमने चार मिर्ची ली, कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, हमने ये साबुत डाली है। अब इसमें हम अपना चिकन डालेंगे। इसमें प्याज ज़्यादा डलती है, हमने चार प्याज काटी थी, चॉप करी थी। अब इसके साथ ही से अब इसमें हम हल्दी डाल, ये हल्दी डालते हैं आधा चम्मच। इसको मिलाते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन डालेंगे दो चम्मच, दो चम्मच भर के डाला। अब इसके साथ थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें सौंफ भी डालते हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे, ये आज बिरयानी मसाला डालेंगे, इसमें सब कुछ होता है, ये मसाले भी होते हैं गरम मसाला और ये सौंफ वगैरह सब कुछ होता है। अब हम एक चम्मच ये डालेंगे, इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ये डालेंगे। अब इसको भूनने के बाद 2-3 मिनट तक भूनना है इसको, उसके बाद हम इसमें अब टमाटर डालेंगे। टमाटर को हमने ऐसे छिलका हटा दिया था और इसको काट लिया। अब चार मिर्चें हमने काट ली थी बड़े टुकड़ों में, और चार साबुत डालेंगे हरी, लाल मिर्च नहीं डालते हैं पिसी हुई, हम इस तरीके से बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक अब डालेंगे क्योंकि नमक से टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर चम्मच नमक डालते हैं, थोड़ा सा और, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना जितना खाते हैं। अब इसको इस तरह से मिला के और हम इसको ढक देंगे ताकि ये टमाटर और ये प्याज जो है सॉफ्ट हो जाएगी और ये गल जाएगा थोड़ा। अब इसे ढक देते हैं, 2-3 मिनट के बाद देखेंगे। अब इसे हम देखते हैं, अब इसमें हम धनिया डालेंगे, धनिया डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर 3 चम्मच।
इसमें ये धनिया ज़्यादा जाता है, स्टू में धनिया ज़्यादा जाता है ये। अब एक बार फिर चलाएंगे और इसके 2 मिनट के लिए और ढक के लिए, 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब इसे देखते हैं दोबारा। अब इसे फुल गैस करके थोड़ा हम भूनते हैं ताकि ये टमाटर जो है घुल जाएंगे ग्रेवी में, अच्छे से मिल जाएंगे, गल तो गए, थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे इस तरीके से। दो तीन मिनट तक इसको ऐसे भूनना है फुल गैस करके। अब ये भून गया अच्छे से, अभी टमाटर भी हमारे ये घुल गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, दही डालेंगे, गैस को कम कर देते हैं और ये दही डालते हैं। ये दही डाला हमने, 4-5 चम्मच दही है, ये समझ लें आधी कटोरी, इसको डाल के मिला दें, इसको मिक्स करते हैं। अब फुल गैस कर देते हैं। अब ये दही की कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के हम, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डाल देते हैं। बहुत अच्छा बनेगा, बहुत बढ़िया। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब इसे हम फिर ढक देते हैं दोबारा से, क्योंकि ये दही का पानी छूटा है इसी में ये गल जाएगा। अब इसे देखते हैं थोड़ी देर के बाद, 3-4 मिनट के बाद। अभी फिर दोबारा से देखते हैं इसे। अब देखो ये दही का पानी जो है सारा सूख गया, ये देखो कितना बढ़िया हो गया ये, अभी गल भी गया। अब अगर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अभी हम डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे 2 मिनट तक और चलाएंगे, भूनेंगे अच्छे, ताकि ये मसाले जो है पूरे सही से मिक्स हो जाए। बहुत बढ़िया बना एकदम। अब इसे हम देखते अच्छे से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस ये डाला है आधी कटोरी से कम, इतना ही डाले। अब ये बन गया। अब इसमें हम डालते हैं ये आधा चम्मच गरम मसाला, ये हम बाद में डालते हैं खुशबू के लिए, अच्छा बनेगा। पहले हमने डाल दिया था, अब बस हो गया, इसको गैस को कम करते हैं और धनिया डालते हैं इसमें। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी एक बार बनाएं हमारे तरीके से, हम इसे अपने तरीके से ही बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। ये बन गया, अभी गैस को बंद करते हैं, ये बन गया, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाया। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, खाएं हमारी रेसिपी, ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं हमारा ये स्टू कैसा था। आप भी हमारे तरीके से बनाएं एक बार, बना के खा के देखें, फिर बताएं हमें कैसा था। दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।